नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चमत्कारी टोटके में। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से आप आसानी से सीख सकते हैं इंग्लिश। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश बोलने का सीक्रेट जो सुन के आप रह जाएंगे दंग। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करें चमत्कारी टोटके को और क्लिक कर लें बेल आइकन पर, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोस के अपडेट सबसे पहले मिल जाएंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंग्लिश बोलना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना हम इसे समझते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग इंग्लिश बोलने से पहले ही डरने लगते हैं कि उन्हें तो इंग्लिश आती ही नहीं है, लोग उनके बारे में क्या कहेंगे, जिसकी वजह से जो लोग इंग्लिश सीखना भी चाहते हैं वो लोग भी कॉन्फिडेंटली इंग्लिश नहीं बोल पाते और जिस वजह से उनकी इंग्लिश में फ्लुएंसी नहीं आ पाती और वो हमेशा इसी चक्कर में लगे रहते हैं कि किस तरह से अपनी इंग्लिश को सुधार पाए। लेकिन अगर आप इंग्लिश को बोलेंगे ही नहीं तो आपकी इंग्लिश कैसे ठीक होगी? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज के समय में अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश में बात करना बहुत ही जरूरी हो गया है। अगर आप किसी भी ऑफिस में जाते हैं या फिर अपने बच्चे के एडमिशन के लिए स्कूल में जाते हैं तो भी सबसे पहले आपसे यही सवाल पूछा जाता है कि आपको इंग्लिश आती है या नहीं, क्योंकि तभी आप अपने बच्चे को भी इंग्लिश में पढ़ा पाएंगे। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा नुस्खा जिसके जरिए आप अपनी इंग्लिश को सुधार सकते हैं और आसानी से कॉन्फिडेंटली इंग्लिश में बात कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो ये रूल बनाइए कि आपको इंग्लिश आती है या नहीं। आपको कम से कम 21 दिनों तक 24 घंटे इंग्लिश में ही बात करनी है। जब आप इस रूल को फॉलो करेंगे तो 21 दिन के बाद आप पाएंगे कि आपकी इंग्लिश पहले से बेहतर हो गई है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपनी इंग्लिश को सुधार सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरे तरीके हैं उसमें आप इंग्लिश की फिल्में देखिए, वो भी बिना सबटाइटल के। इंग्लिश के सीरियल्स देखिए, इंग्लिश के टीवी सीरियल्स देखिए, इंग्लिश की कोई भी यूट्यूब वीडियो देखिए, लेकिन वो भी बिना सबटाइटल के। धीरे धीरे आपको अंग्रेजी समझ में आने लग जाएगी। सिर्फ किताबें पढ़ना ही अंग्रेजी सुधारने का तरीका नहीं है, आपको उसे अप्लाई करना भी जरूरी है। इसीलिए जब भी बात करें तो इंग्लिश में बात करने की कोशिश करें। इसके अलावा दोस्तों, जब तक आप अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं लाएंगे कि आपको इंग्लिश आती है, तब तक आप दूसरों के सामने बेहिचक इसे नहीं बोल पाएंगे। आप अपनी इंग्लिश सुधारने के लिए रोजाना इंग्लिश का न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं। रोजाना इंग्लिश की किताबों में से कुछ पन्ने छांटकर आप अपनी इंग्लिश को सुधार सकते हैं। इन सब नुस्खों को अपनाइए और बताइए हमें कि आपको अपनी इंग्लिश में कितना फर्क नजर आया। आपकी राय और आपके सुझाव हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन के नीचे लिखकर आप हमें बता सकते हैं। तो दोस्तों, देखते रहिए चमत्कारी टोटके, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।